नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। बाल संप्रेक्षण गृह से फरार 5 बाल अपचारी गिरफ्तार। रीवा से भागकर 100 किलोमीटर दूर मंदिर में काटी रात। बाल संप्रेक्षण गृह से फरार 5 बाल अपचारी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो गए हैं। सूत्रों की माने तो सोमवार अल सुबह एसपी नवनीत भसीन के पास मुखबिर से सूचना आई थी। पुख्ता खबर सुनकर एसपी ने तुरंत त्योथर एसडीओपी समरजीत सिंह, सोहागी थाना प्रभारी निरीक्षक ओपी तिवारी और चाखार थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर और सोनोरी चौकी प्रभारी बीसी विश्वास को नैना नदी के किनारे मंदिर पर भेजा। करीब 100 फीट चौड़ी नदी को तैर कर सभी आरोपियों को पकड़ा। इसके बाद पुनः नदी तैरा कर नाबालिग बच्चों को बाहर लाया गया। पुलिस सूत्रों की माने तो पांचों नाबालिग अपराधी रीवा से चाकघाट के रास्ते सोनोरी पहुंचे। यहां नदी के किनारे सुरक्षित स्थान मिलने पर पांचों ने रात काटी। इसी बीच सोमवार सुबह कई ग्रामीण नदी में स्नान करने पहुंचे। चर्चा है कि घटनास्थल नदी का किनारा होने पर एसडीओपी समरजीत सिंह ने पहले से ही नदी में छलांग लगाने वाली पुलिस टीम तैयार कर ली थी, जिसके बाद सोहागी थाना सोनोरी चौकी सहित चाकघाट थाने से चुनिंदा पुलिस आरक्षकों को शामिल किया गया। टीम में उप निरीक्षक अरविंद सिंह राठौर के साथ आरक्षक सुनील तिवारी, आरक्षक साजन सिंह, आरक्षक विजय सिंह बैस, आरक्षक ब्रजेंद्र जायसवाल और आरक्षक राहुल ओझा ने नदी तैर कर पांचों बालकों को पकड़ लिया है। बता दें कि रविवार सुबह 8:30 बजे गंभीर अपराधों में लिप्त 5 नाबालिग बच्चे किचन के अंदर पहुंचे, जिन्होंने कुक को बाहर निकाल कर खिड़की तोड़नी शुरू कर दी। कुक ने वारदात की जानकारी ड्यूटी में तैनात नगर सैनिक को दी। होमगार्ड का जवान मौके पर पहुंचकर विरोध करते हुए रोकने की कोशिश की, लेकिन पांचों नाबालिग अपराधी नगर सैनिक के साथ झूमाझटकी करते हुए फरार हो गए हैं। 5 कैदियों के फरार होने की सूचना पर पुलिस प्रशासन के जिम्मेदार बाल संप्रेक्षण गृह पहुंचे हैं। हुजूर एसडीएम अनुराग तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, नायब तहसीलदार हुजूर यतीश शुक्ला, होमगार्ड कमांडेंट अजय कश्यप, समान थाने के उप निरीक्षक अभिषेक पटेल आदि ने घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से जांच की थी। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज।